भारत में हो रहा चुनाव, झोली फैलाए पाकिस्तान कर रहा किसकी हार की कामना। राहुल अरविंद ममता ने क्या किया ऐसा, पाकिस्तान निभा रहा जिगरी नाता। आतंकियों के साथ हाथ मिलाने वाला चौधरी क्यों उगल रहा जहर का पैमाना। लोकसभा चुनाव भारत में हो रहा है लेकिन पेट में दर्द पाकिस्तान को उठ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी की हार की दुआ की। दरअसल पाकिस्तान के एक और नेता ने भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की कामना की है, तो दूसरी तरफ पूर्व पाकिस्तानी मंत्री ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की जीत की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कश्मीर हो या हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनोरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं, लेकिन वहां पे बीजेपी और आरएसएस की जो एक इतिहाद है, जो अलायंस है, वो पाकिस्तान को लेके नफरत पैदा कर रहा है, मुसलमानों को लेके नफरत पैदा कर रहा है। पाकिस्तान अब खुलकर बोलने लगा है। एक और पाकिस्तानी जहां राहुल अरविंद और ममता के लिए मीठे बोल बोल रहे हैं, तो वहीं भाजपा और आरएसएस के लिए जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तानी के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के मन में इस बात की आशंका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत में सरकार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी यह चुनाव हार जाए। पाकिस्तान के इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी सोच है, उसकी शिकस्त बहुत जरूरी है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कश्मीर या हिंदुस्तान के बाकी मुसलमान हो, इस वक्त कट्टरपंथी विचारधारा का सामना कर रहे हैं, जिस प्रकार के बाकी अल्पसंख्यक जुल्म सह रहे हैं। यह बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी चुनाव में शिकस्त खाए, और पाकिस्तान में हर शख्स यही चाहता है कि वह शिकस्त जरूर खाए। वहीं फवाद चौधरी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं जब उग्रवाद कम होगा। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर नफरत नहीं है, लेकिन वहां पर आरएसएस और भाजपा का अलायंस है। वो पाकिस्तान को लेकर नफरत पैदा कर रहा है, वो मुसलमानों को लेकर नफरत पैदा कर रहा है, और हमारा ये फर्ज है कि इस विचारधारा के लोगों को शिकस्त दे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जो भी उनको हराएगा, चाहे वो राहुल हो, केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, उसके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। बताते चलिए कि इससे पहले फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को आईएनएस के पीएम मोदी के इंटरव्यू के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मुझे कोई शौक नहीं है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का, ना ही मैं पाक सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं वास्तव में जेल में था और पाकिस्तान में फासीवादी शासन का विरोध करने के कारण राजनीति से प्रेरित मामलों का सामना कर रहा था, लेकिन मैं चरमपंथियों के खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी व्यक्तियों का समर्थन करूंगा। और पीएम मोदी नफरत और उग्रवाद का प्रतीक बन गए। हिंदू महासभा के उदय के कारण भारत के मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि फवाद चौधरी ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात खुले तौर पर स्वीकार की थी। फवाद चौधरी ने आगे लिखा, पाक के संस्थापक ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के अधिकारों के लिए खड़े होने का वादा किया था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तानी सरकार अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। लेकिन मैं किसी भी हालत में भारत में मुस्लिम अधिकारों के लिए बोलूंगा, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत वहां फैली है, उसे हराना होगा। आरएसएस एवं भाजपा के नफरत और उग्रवाद के गठजोड़ को हारना होगा। जो कोई उन्हें हराएगा, वह दुनिया में सम्मान अर्जित करेगा। दरअसल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से समर्थन मिलने के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा था कि यह लोकसभा चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर है। यहाँ तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं। मैं नहीं जानता हूँ कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज वहां से क्यों उठती है।
अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का गंभीर विषय है। हालांकि फवाद चौधरी को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर फटकारा भी था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।